दोस्तों आपकी भी ये प्रॉब्लम है, आपकी भी काम मसल्स बढ़ रही है, थाई भर रही है, पैरों में पावर नहीं है, आप ही रनिंग करते हो तो आपको भी स्पीड में नहीं दौड़ा जा रहा है, आप ही एक दिन प्रैक्टिस करते हो और रनिंग में स्पीड नहीं आ रही है, तो जी हाँ दोस्तों आप एकदम सही जगह पे हो, आप एकदम सही जगह और सही वीडियो पे आए हो। आपको जो मैं एक्सरसाइज इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको सही माध्यम से और तरीके से करनी है, जिस भी भाई के काफ मसल्स स्ट्रेंथ पावर और जिसमें पावर नहीं है स्पीड नहीं है, तो इस वीडियो में आप सही जगह आए हो और वीडियो को लास्ट देखना, स्किप ना करना। तो वीडियो पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर करें प्रेस। तो दोस्तों मैं विकास कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपने आज मेरा टॉपिक भी देख लिया होगा यूट्यूब के थंबनेल के माध्यम से, आपको पता भी चल गया होगा। तो जो मैं आज टॉप 5 एक्सरसाइज बताऊंगा तो आपको ये हर धावक को करनी चाहिए, 1600 मीटर चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे 1 किलोमीटर हो, चाहे 100 मीटर चाहे 200 मीटर। आज की जो अपनी 5 एक्सरसाइज भी कोई भी इवेंट हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार होने वाली है। बहुत से भाइयों की प्रॉब्लम रहती है कि स्पीड नहीं आ रही, रनिंग नहीं रही, बॉडी का इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो ये 5 एक्सरसाइज एक तरह की रामबाण है, जो भी भाई इसको करेगा तो उसके लिए बहुत ही जल्दी बेनिफिट लेगा। तो इस एक्सरसाइज के बारे में आपको साफ सा एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि इन एक्सरसाइज को आपको सही तरीके से देखना है और तरीके से करना है। कर तो हर कोई लेता है, परंतु जिस प्रकार से सही स्टैटिक और सही एकदम अच्छे से करोगे तो उसका बेनिफिट बहुत जल्दी मिलेगा आपको। बहुत से भाई लोग कहते हैं हम भी ये भी करते हैं हर एक्सरसाइज करते हैं, परंतु उसका बेनिफिट उनको मिलता नहीं है, क्योंकि करने का तरीका और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से करोगे तो आपको 7 दिन के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सबसे पहले आप तो ये बता दूँ कि आप ग्राउंड पे जब भी जाओ ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको पहले थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करना है, हाथ पैर को दाएं बाएं जिस प्रकार से आपके बॉडी में पेन नहीं हो, और फिर थोड़ा सा स्लो 2-4 राउंड हल्के हल्के रनिंग का करना है, जिस प्रकार से आप ये बॉडी गर्म हो जाए तो फिर अपने आपको बॉडी के अंदर जिस प्रकार से एक्सरसाइज करनी उससे पहले स्ट्रेचिंग वार्म अप होना बहुत जरूरी है। फिर आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से मैं आगे बताऊंगा वीडियो में उस प्रकार से आपको इन एक्सरसाइज को फॉलो करना है। तो बिना देरी के हम सीधे इस एक्सरसाइज पर चलते हैं और जो अपनी एक्सरसाइज है उनको जरूर फॉलो करना है। चलो एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। बॉक्स जंप में एक ऊंचाई का होना बहुत जरूरी है, फिर आपको हाथों को ऊंचाई की तरफ बॉडी को पूरा पुश करना है, इससे आपको पूरा बॉडी पे पुश करेगा तो आपके थाई पे पूरा मसल्स पे जोर पड़ेगा, तो आपकी स्पीड के लिए पूरी थाई मजबूत हो जाएगी, तो आप इसे रनिंग करोगे तो आपको स्पीड में भागोगे तो आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। इस एक्सरसाइज के आपको 15-15 के 3 सेट मारने हैं। स्क्वाड जंप इंटरनेशनल एथलेटिक स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी करते हैं इसके, तो इस एक्सरसाइज को रनिंग में स्पीड नहीं आ रही है, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो इस एक्सरसाइज को सबसे बेस्ट माना जाता है रनिंग के अंदर स्पीड और स्टेमिना बढ़ाने के लिए, थाई में पावर बढ़ाने के लिए और अपना इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। जिस प्रकार से आपको करके दिखाया जा रहा है सेम इस प्रकार के आपको स्क्वाड जंप के 15-15 के 3 रेपिटेशन मारने हैं। ए स्किप इस एक्सरसाइज को आप करते हैं तो आपको पैरों को फोल्ड करके आगे की तरफ पुश करना है पंजों के टॉप पे। इस एक्सरसाइज के आपको 15-15 के 3 सेट मारने हैं। जिस प्रकार से इस एक्सरसाइज को करने से रनिंग में स्पीड और स्टेमिना बहुत बरकरार चलता है, रनिंग में लास्ट के अंदर आपके पैर नहीं भरेंगे, इस एक्सरसाइज को आपको करने से बहुत अच्छा फायदा होगा, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। एस टक जंप इस एक्सरसाइज के आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स को चेस्ट की तरफ पुश करें जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है। इस एक्सरसाइज को आपको क्वाड्रिसेप्स मसल्स बहुत ही मजबूत होगी, पैरों में पावर बढ़ेगी। इस एक्सरसाइज को आपको चेस्ट की तरफ पूरा पुश करें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि नीचे पैर रहे तो 2 बार जंप जरूर करें पैर, जिस प्रकार से सेम आपको दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आपके पैरों के पैर चेस्ट का टच होना चाहिए और नीचे पैर 2 बार जंप करना है, जिससे आपके पैरों में बहुत ज़्यादा पावर आएगी और स्पीड बढ़ेगी। टो जंप इसमें बहुत सारे धावक होते हैं जिनकी काप मसल्स भर जाती है, तो जिस प्रकार से आप एक्सरसाइज को देख रहे हैं खड़े खड़े आपको जंप करना है टॉप पे, इसमें काप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और आपकी ये भर जाती है, जिससे आपको ये एक्सरसाइज करोगे तो आपके ये भरना बिल्कुल बंद हो जाएगा और रनिंग में स्पीड आएगी और इम्प्रूवमेंट अच्छा मिलेगा आपको। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है डेप्थ जंप। जिस प्रकार से बॉक्स जंप हम कर रहे थे उसके विपरीत करना है कि ऊंचाई पर जाना है, पहले आपको नीचे जंप करना है, फिर नीचे आने के बाद में आपको टक जंप करना है जिस प्रकार से वीडियो में चल रहा है। इससे आपकी क्या होगी, काप मसल्स बढ़ जाती है तो वो काप मसल्स बढ़ना बंद हो जाएगी और रनिंग में स्पीड आएगी। तो हमने जो भी इस वीडियो में आज रनिंग की बात करी है एक्सरसाइज की, वो 110% सही और सही एकदम इम्प्रूवमेंट लाने वाली एक्सरसाइज है, जिसको आप करोगे तो आपके 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। तो
दोस्तों आपने जो मेरा एक्सरसाइज का वीडियो देखा तो उसके माध्यम से आपको पता भी चल गया होगा किस प्रकार से करनी है और कैसे करनी है। तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद में आपको थोड़ा बहुत कूल डाउन करना है और पूरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, जो कि करना बहुत ही अनिवार्य है। आप अपने आप को टाइटपन से और पेन से बचाना चाहते हो तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा वीडियो भी डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। और इन एक्सरसाइज को करने के बाद में आपको उन एक्सरसाइज को स्ट्रेचिंग करने के बाद में अपने टाइटपन और जो लचीलापन होता है शरीर में वो रहेगा, जिससे आपके कोई पेन नहीं होगा। इन एक्सरसाइज को सेट लगाइए। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक अच्छा खाइए, अच्छा पिए और फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत।